हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रिक विद निशू। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस लगभग एवरी बोर्ड और एवरी स्टेट में कम्प्लीट होने वाली है। लाइक डेट कह सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस, है ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस जैसे ही आपकी कम्प्लीट होगी, यानी एग्जामिनेशंस कम्प्लीट होने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, छात्रों के मन में ये डाउट होते हैं। यू नो, हमारे टाइम में भी ऐसा डाउट होता था कि एग्जामिनेशंस तो कंप्लीट हो गई या कंप्लीट हो गए तो फिर रिजल्ट कब आउट होगा, क्या 1 मंथ में, 2 मंथ में, इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये कोई वीडियो फेक नहीं है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत सारे आपने देखा होगा कि वीडियो देखने को मिलेगा कि आज रिजल्ट आउट हो जाएंगे, कल रिजल्ट आउट हो जाएंगे, है ना, आपका परसों रिजल्ट आउट हो जाएगा, 1 वीक में आपकी रिजल्ट आउट हो जाएगी, इस तरह से आपको, मतलब शिक्षा मंत्री द्वारा ये घोषणा जारी किया गया, इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो पे आप बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल एग्जामिनेशंस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो इतना जल्दी आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा। क्योंकि गाइस, यहाँ पे आपके रिजल्ट आउट होने में टाइम लगती है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, कॉपी चेक होती है। पहले तो आप जब बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्लीट करते हो तो कॉपी चेकिंग के लिए जाती है सेंटर में, फिर वहाँ पे एटलीस्ट कॉपी चेकिंग करने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगते हैं, फिर आपका नीट पे जो भी आपकी रिजल्ट है, मतलब नंबर वाइज आपको काउंटिंग किया जाता है ना, किसने कितने नंबर लाए हैं, इस तरह से धीरे धीरे फिर उसके नेक्स्ट प्रोसेस होती है, तो बहुत सारी टाइम लगती है, एटलीस्ट आपके 1 से 1.5 मंथ आपका टाइम लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं, अभी जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं रिसेंटली में कि आपके रिजल्ट आउट हो जाएगी, 1 डे के बाद आपकी रिजल्ट आउट हो जाएगी या 1 वीक के बाद आपके रिजल्ट आउट हो जाएगी, तो इस वीडियोस पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें जो आपको बताने जा रही हूँ एकदम सही है, ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि रिजल्ट जो होती है उसमें थोड़ी सी टाइम लगती है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, क्योंकि पेपर चेकिंग होती है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 दिन का। तो एक स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी प्रोसेस होती है उसमें आप थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 मंथ से 1.5 मंथ तक का आपकी रिजल्ट आउट होती है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ यूपी बोर्ड के बारे में। तो देखिए, फरवरी में तो आपकी एग्जामिनेशंस हुई थी, ठीक है, जहाँ तक 10th 12th की, तो यहाँ पे आपकी जो रिजल्ट आउट होगी वो 1 मंथ, यानी आप सपोज कह सकते हो कि मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी रिजल्ट आउट हो। मैं फाइनल डेट आपको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि फाइनल डेट रियली में अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिलहाल इतना ही नोटिस आई है कि आपकी मार्च तक या अप्रैल तक आपकी जो है वो घोषणा कर दी जाएगी, मतलब रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। जो फाइनल डेट होगा वो मैं कुछ दिन के बाद आपको दे दूंगी, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए मैं न्यू वीडियो लेकर आ जाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता दूं कि आपके डाउट क्लियर करना चाहती हूं, कि आपको डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, आपके मार्च या अप्रैल, मार्च के लास्ट में, ठीक है, और अप्रैल के स्टार्टिंग में आपकी रिजल्ट आउट हो जाएगी यूपी बोर्ड की। अब बिहार बोर्ड की कब होगी उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।